In the very beginning, जो शॉर्ट में हम फेमा बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ? सर, नेचर ऑफ दिस लॉ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज दैट व्हेनेवर इन एनी ट्रांजेक्शन देयर इज सम इंटरनेशनल डायमेंशन, then whatever the law which regulates that transaction will continue to apply. But since it has got an international dimension, in addition to that law which regulates that transaction, FEMA will also apply. That is the nature of this law. Koi bhi aap transaction kar rahe hain, अगर उसके अंदर इंटरनेशनल एंगल आ गया तो जो भी लॉ उस ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता है दैट विल कंटिन्यू टू अप्लाई, वो खत्म नहीं हो जाएगा. फेमा इज नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट लॉ, इट्स एडिशनल लॉ. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, उस लॉ की जगह ये लग जाएगा, ये नहीं होगा. इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूशन लॉ, इट्स द एडिशनल लॉ. मतलब दैट लॉ विल कंटिन्यू टू अप्लाई, इन एडिशन टू दैट फेमा विल ऑल्सो अप्लाई. दैट इज द इन वन लाइन यू कैन से द नेचर ऑफ दिस लॉ. कोई पूछे व्हाट डू यू नो अबाउट फेमा, तो आपको यही बोलना चाहिए, फेमा इज अ लॉ which will be an additional law in any transaction which has the international dimension. And whatever the law which applies will continue to apply, in addition to that FEMA will also apply. That, koi bhi example utha lijiye. Main yaad hai last class mein company law mein bola tha, sahab tourism ki baat kar rahe the. If within India ghumte hain, tourism law lagte hain, India se baat tabhi tourism law lagte, saath mein kya lagega, FEMA lagega. Achha, ek Indian company hai. Agar wo Indian company fund raise karne ke liye share issue kar rahi hai, aur share se India mein issue kar rahi hai, खाली कंपनी जैक्ट. लेकिन अगर वो इन शेयर फंड रेज करने के लिए इंडिया से बाहर भी शेयर इशू कर रही है तो क्या होगा, कंपनी जैक्ट प्लस क्या लगेगा, फेमा. अच्छा, एक कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, एंड डिविडेंड इज बीइंग पेड ओनली टू द शेयरहोल्डर्स हु आर इन इंडिया, देयर इज नो शेयरहोल्डर ऑफ दैट कंपनी आउटसाइड इंडिया, ओनली कंपनी जैक्ट. बट इफ द कंपनी पेइंग डिविडेंड सम ऑफ द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी आर आउटसाइड इंडिया, व्हाट विल हैपन, इट्स अ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, पैसा इंडिया से बाहर जाएगा डिविडेंड का, क्या होगा, कंपनी जैक्ट के साथ क्या लगेगा, फेमा भी. कुछ भी उठा लीजिए, अगर इंटरनेशनल एंगल आ गया तो क्या होगा, उसमें फेमा विल डेफिनेटली अप्लाई. अच्छा बताइए, क्या आज के दिन ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके अंदर इंटरनेशनल एंगल है, क्या ऐसे ट्रांजेक्शन पहले से बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं या कम है? बढ़ते जा रहे हैं. तो क्या इस लॉ की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है? ये सुनो, अगर समझो तो इस लॉ की इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाले एंगल वाले ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या दुनिया सिमटती जा रही है. अच्छा, जितना आज लोग फॉरेन ट्रेवल करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, क्या आपको लगता है किसी जमाने में लोग जाते थे? मतलब कोई कोई फैमिली बहुत ज्यादा रिच, आजकल देखो जो मुठा गए, ऐसा मैं सिंगापुर घूम के आऊं, मैं फलाना घूम के आऊं, मैं डिगरा घूम के आऊं, ये सुनो. तो कारण क्या एक्चुअली, तो इसका होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, आपके इंटरनेशनल एंगल वाले ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, और जहां ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फेमा जरूर लग रहा है. तो दैट्स व्हाई फेमा की इंपॉर्टेंस डे बाय डे क्या, और ये बढ़ती जा रही है. एंड अगर दूसरे एंगल देखो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी के कोई भी ट्रांजेक्शन होने हैं जिसमें इंटरनेशनल एंगल्स आ रहे हैं, तो क्या आपको फेमा का भी ध्यान रखना पड़ेगा? एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, देखो, यू विल बी द लीगल फेस ऑफ द कंपनी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कंप्लायंस और लॉ एप्लीकेबल ऑन द कंपनी, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. सोचिए, इफ यू आर नॉट गुड इन दिस, व्हाट विल हैपन? फिर वही बात, कई सर एग्जाम में इतने, फिर यार एग्जाम सब कुछ नहीं है, सोच के देखो जब काम. और आज के दिन तो इस सब चीजों की इतनी हाई रेलेवेंस है, कोई इतने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं, और हर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में फेमा कंसेप्ट आएगा आएगा. And that is the relevance and the nature of this law, what is the utility of this law, and I have just explained. Now, first time in this context in India, the first law which was made in this particular context for these kind of things, it was Foreign Exchange Regulation Act. Management ki jagah kya hai? Regulation Act 1947. Pehla law ye tha. लेटर ऑन दिस लॉ वॉज एबॉलिश, उसकी जगह नया लॉ है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973. द फर्स्ट लॉ विच वॉज मेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट वॉज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन. मैनेजमेंट वर्ड की जगह क्या है? रेगुलेशन. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, दैट लॉ वॉज एबॉलिश लेटर ऑन, एंड वी गॉट अ न्यू लॉ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973. And this Foreign Exchange Regulation Act 1973 has also been abolished, and in place of that we have got Foreign Exchange Management Act 1999. तो तीसरा लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहला फेरा 1947, अबॉलिश रिप्लेस बाय फेरा 1973, अबॉलिश एंड रिप्लेस बाय करेंट लॉ
that is Foreign Exchange Management Act 1999. And this law is effective from 1st of June 2000. 1 June 2000 se law effective hai. Foreign Exchange Management Act 1999 effective from this date. 1st of June 2000. So that is the background of this law and what is the nature of this law I have just explained. Now I come to the purpose or objective of this law. First, it says that to facilitate external trade and payment. To facilitate the external trade and payment. देखिए facilitate word का मतलब होता है support system. This law provides a support system. In doing the external trade and payment. इसका मतलब क्या देखिए? Let's say there's some Indian company X Limited. And it wants to do exports. अगर इंडिया से कुछ जब बाहर जाएगा that export. कैसे external trade or not? उसकी पेमेंट इंडिया में वापस आएगी तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन या मान लिया कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर अपनी कोई ब्रांच खोलना चाहती है इंडिया के बाहर डिफरेंट कंट्री में भी सब्सिडरीज खोलना चाहती है ये सब क्या है दिस ऑल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड अच्छा उन सब में जो ट्रेड बाहर होगा क्या उसकी पेमेंट कहां आएगी इंडिया में तो एक्चुअली दिस एक्ट गिव्स यू द सपोर्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ विच लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया विद द इंडिविजुअल्स विद द कंपनीज विद द पार्टनरशिप फर्म विद द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दे कैन डू द एक्सटर्नल ट्रेड अच्छा एक्सटर्नल ट्रेड से क्या हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है एकदम होता है अल्टीमेटली उसमें जो रेवेन्यू जो फॉर अच्छा जो पेमेंट्स आएगी इंडिया में क्या वो इंडियन करेंसी में आएगी फॉरेन एक्सचेंज में अच्छा आपने एक कंसेप्ट सुना होगा फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुना है अच्छा हर एक कंट्री का अपना एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है अच्छा किसी कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करते के साथ इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही कि नहीं कर रही उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं अच्छा वन ऑफ द पैरामीटर इज पर कैपिटा इनकम अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है इसका मतलब क्या है इकोनॉमी इज गोइंग अप जीडीपी इज देयर सुना होगा आपने जीडीपी पर तो वन ऑफ द पैरामीटर्स इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छा जितना एक्सटर्नल ट्रेड होगा क्या उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता जाएगा एक इंडिया का एग्जाम्पल है हमारे यहां से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं यहां वाले बाहर जाके काम कर रहे हैं वहां से इनकम इंडिया में लेकर आ रहे हैं इनकम किसमें आ रही है फॉरेन एक्सचेंज में तो क्या इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल ग्रो और नॉट एंड दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स टू जज वेदर इकोनॉमी इज ग्रोइंग और नॉट गेटिंग मोर फॉरेन एक्सचेंज इन आवर कंट्री इट मीन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल गो अप क्या दैट इज रिफ्लेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी गोइंग अप यस और नो एंड दैट इज हाउ द कैन इज द फेमा इज ऑल्सो हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इट इज ऑल्सो बिकॉज बाय फैसिलिटेटिंग सच काइंड ऑफ थिंग दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड अल्टीमेटली हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं इसका बहुत बड़ा रोल होता है इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री नंबर टू टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ Foreign exchange market in India. To promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. See, what does it mean? Malik foreign company. This company wants to make some investment in India. मान ली इंडिया में एक कंपनी बना के वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं अच्छा इन ऑर्डर टू डू द सेम विल दे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अब्रॉड
इंडिया में कंपनी सेटअप करोगे, उसके शेयर परचेज करोगे, कंपनी की वो कैपिटल बनेगी, उस कैपिटल से कंपनी बिजनेस करेगी, तो अल्टीमेटली लॉट ऑफ मनी हैज टू ब्रॉट फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया. इन्वेस्टमेंट ऐसे ही आती है. अच्छा, वो पैसा बाहर से इंडिया में क्या इंडियन करेंसी में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज में? अच्छा, इससे क्या इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेवलप होगा? देखिए, यू हैव टू प्रमोट व्हाट? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. अच्छा, व्हेन वी अलाउ मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर कंपनीज ऑफ आउटसाइड इंडिया टू कम टू इंडिया, मेक द इन्वेस्टमेंट इंडिया, डू द बिजनेस इंडिया, अल्टीमेटली इट इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द सेम आर वी गेटिंग मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज ऑर नॉट? बिकॉज अल्टीमेटली बाहर से इंडिया में क्या लेके आ रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं. क्या इससे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेवलप हो रहा है? यस. अच्छा, एक चेंज से बोलते हैं टू डेवलप समथिंग, और ये बोलते हैं टू मेंटेन दैट डेवलपमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, बोलते हैं, कहीं सुना होगा क्लास में फर्स्ट आ गए. बोला क्लास में फर्स्ट आ गए वो इंपॉर्टेंट है, बट उस पोजीशन को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कि भाई एक बार आप आ गए, बार बार आपको फर्स्ट आना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. गेटिंग ओनली अ पर्टिकुलर पोजिशन वन टाइम इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट पोजिशन अगेन एंड अगेन. एक्जैक्टली क्या बोले? फर्स्ट क्या बोले? प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट मार्केट. क्योंकि ये नहीं कि साहब हम एक लेवल पे आ गए, इंडिया में इतना सारा बाहर से पैसा आ रहा है, आ गया उसके बाद आना ही बंद हो गया, ये गलत है. इसका था पहले वी हैव टू डेवलप दैट एंड देन वी हैव टू मेंटेन दैट डेवलपमेंट. दैट इज व्हाट कैन डेवलपमेंट? मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज कमिंग टू इंडिया, एंड दैट इज अगेन द ऑब्जेक्टिव. अच्छा होता है, दोनों बात को ध्यान से देखें, मोरलेस एक ही बात है. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, कैसे? यहां वालों को हम बाहर जाके बिजनेस करना अलाउ कर रहे हैं. फर्स्ट, फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सपोर्ट करना अलाउ कर रहे हैं. अच्छा, इससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है. अच्छा, बाहर वाले जब इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनको हम अलाउ कर रहे हैं एंड ऑल दैट, अल्टीमेटली क्या आ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज. तो बात तो एक ही, तरीका अलग अलग है कि वी आर अलाउइंग द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन बिजनेस क्लास टू डू द लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड इंडिया, एंड दे आर ब्रिंगिंग द फॉरेन एक्सचेंज इंडिया. सिमिलरली, वी आर अलाउइंग द फॉरेन कंपनी, फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन पार्टनरशिप फ्रॉम वट एवर to come to India, make the investment, do business. They are bringing a lot of foreign exchange in India. It means ultimately, paisa India mein aa raha hai, aur kaun sa aa raha hai? Foreign exchange aa raha hai. Kya isse humare country ka foreign exchange reserve badh raha hai? Yes or no? And that is a very important parameters of measuring the economy. And aapka foreign exchange reserve agar badh raha hai, it means what? Ultimately, Indian economy is going up. To kaise the dono hi tarike se, ultimately, we are getting more and more foreign exchange in India. And that is helping in the development of the Indian economy. तो पहले बोले साहब डेवलपमेंट एंड देन मेंटेनेंस. डेवलप द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया एंड टू मेंटेन दैट. नॉट ओनली डेवलप, वी ऑल्सो नीड टू मेंटेन दैट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. अच्छा, एक आपने सुना होगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सुना तो होगा, नाम तो सुना होगा. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम. नाम सुना होगा, बट मोस्टली लोग इसका मतलब नहीं समझते क्या होता है फॉरेन, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर टर्म है, अखबारों में भी इसकी चर्चा बहुत होती है, फॉरेन डायरेक्ट FDI. अच्छा, कई बार हम कंपेयर करते हैं कि साहब 15-16 में या 14-15 में टोटल FDI इंडिया में कितना आया, 15-16 में कितना आया, 16-17 में कितना आया, ऐसे कंपेयर करते हैं. क्यों कंपेयर करते हैं? सुना हुआ न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है, क्यों करते हैं? टू इंश्योर, टू फाइंड आउट कि साहब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो एक लेवल पे चला गया था इंडिया में, क्या वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा. खाली एक ही साल आ गया, एक बार क्लास में फर्स्ट आ गया, बार बार आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं. अच्छा, मान लिया पिछले साल से इस साल कम हो गया, इट मीन्स कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को मेंटेन नहीं कर पा रहे. ये सुनो, इट मीन्स उसे फिर सवाल उठते हैं कि भाई ये कम कैसे हो गया. इट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, वी नीड टू सम रेक्टिफाई सर्टेन थिंग, सो दैट हम बेसिकली मेंटेनेंस को तो चेक कर रहे हैं कि सर एक लेवल तक हम चले गए थे, फिर अगले साल उतना क्यों नहीं आया. इट मीन्स दैट अल्टीमेटली वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट ग्रोथ, वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट. इसलिए तो इसकी एनालिसिस होती है कि सर लास्ट ईयर इतना आया था, इस साल कम क्यों आया. तो इसका तो अगर कम आया, इसका देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, समथिंग गोइंग रॉन्ग. And we are not able to maintain that development. And कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है. अगर मान लिया कुछ ऐसा होता नहीं, इसी को रिलेवेंस नहीं होती, कंपेयर क्यों करते. ये सब चीज समझा कर भाई क्यों कंपेयर कर रहे हैं, टू फाइंड आउट whether we are able to maintain that kind of development or not. इसके बोला इसका पर्पज क्या है? प्रमोट द डेवलपमेंट एंड ऑल्सो मेंटेन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया. एंड अल्टीमेटली whether by फर्स्ट पर्पज और सेकेंड पर्पज, अल्टीमेटली वॉट वी आर ट्राइंग टू इंश्योर, वी आर ट्राइंग टू इंश्योर वी शुड गेट मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज. And that will help in the growth of the foreign exchange reserves. And that is a very strong parameter for the measuring the economy of a country. And that will definitely help in the development of the Indian economy. अच्छा, इन्होंने एक वर्ड और लगा रखा है, प्रमोट द ऑर्डरली. ये वर्ड क्यों लगा रखा है? अच्छा, क्लास में एक बार बार बोलता था, लैंग्वेज को समझो,
तो बोले ऐसी चीज है कि आप लोगों इसमें कितना कुछ होता है ना समझो तो फिर भाई थ्योरी रटने का है, याद करने का है। और मैं बार बोलता हूं जिनकी लैंग्वेज पकड़ है ना वो दुनिया को रूल कर रहे हैं, ठीक है। जोड़ घटा वाले रूल नहीं कर रहे, जोड़ घटा वाले हमेशा नौकरी करते हैं, उठा के देख लो, उठा के देख लो। अच्छा आपके व्हाट्सएप पे बड़े बड़े बहुत ऑल टाइम लीडर्स, ऑल टाइम बिग लीडर्स एंड ग्रेट नेम्स, उनके स्पीचेस आते हैं क्या, उसमें कुछ जोड़ घटा करके दिखाते हैं क्या करते हैं? लैंग्वेज से दैट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक, अल्टीमेटली इट मीन्स दे हैव द कमांड ओवर द लैंग्वेज। ये बात को समझो, बार बार लैंग्वेज को जो पकड़ लेना लैंग्वेज को, तो हर अच्छा लैंग्वेज से हम कम्युनिकेशन करते हैं। कैन यू बिकम अ मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर बाय हैविंग अ कमांड ओवर द लैंग्वेज? एंड इफ आई कैन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, आई मतलब दुनिया में हर जगह जंग जीत सकते हैं। एग्जाम में क्या करना है? कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में क्या करना है? कम्युनिकेशन। बॉस के साथ क्या करना है? कम्युनिकेशन। बोर्ड मीटिंग में बैठ के करना है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो कम्युनिकेशन नहीं आती तो मुझे आता क्या है? सारी दुनिया बोलती है तो रटनी का चीज है। देखो बात कभी समझ नहीं आता, व्हाई डोंट पीपल अप्रिशिएट, इसके बिना में काम नहीं चल सकता। और लोग सब लोग बोलते हैं रटने का चीज, भाई क्या आपको इसका मतलब? किसी ने मिसगाइड कर दिया बचपन से कि साहब जोड़ घटाव वाले सब्जेक्ट पढ़ने का? सीधा बोलते हैं मुंह पे, सर कॉस्टिंग की क्लास तो लगा लेनी चाहिए, टैक्स की लगा, लॉ की क्लास क्या लगानी है? मैं क्यों सर, वो तो थ्योरी होता है। देखो क्या ऊपर से नीचे तो देखते हैं, भाई तू बोल क्या रहा है, तो कुछ पता ही नहीं। फिर आपको मैं ऐसे केस दिखाता हूँ, हैरान हो जाएंगे आप। अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट इज नोन फॉर व्हाट? नंबर्स। चार्टेड अकाउंटेंट डीलिंग विद द नंबर्स। जो अच्छे सीए होते हैं ना, जो अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, ठीक है, फिर भाई यार सीए कर लिया किसी तरह से कर कर आके अपनी दाल रोटी चला रहे, अगले बात है आपको था, वो उससे लॉ इंटरप्रिटेशन में आते हैं, उनको समझ में आ जाता है भैया अगर अच्छे लेवल पे जाना है तो कहां पे ये लॉ इंटरप्रिटेशन। सीए आर कमिंग टू लॉ इंटरप्रिटेशन, दे रियलाइज दैट मजा यहां पे। एक दिन क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप जानते हो हरीश वैद का नाम सुना है? सॉरी हरीश वैद कल हरीश सालवे सॉरी हरीश वैद हमारे सीएस हैं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, इज अ वेरी सीनियर सीएस। हरीश सालवे नाम सुना है? वेरी प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट लॉयर, वेरी प्रोमिनेंट। अभी बताओ जो कुलभूषण जाधव वाला केस इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? उन्होंने किया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। एंड पता है पहली क्वालिफिकेशन की क्या है? ही सीए। देन ही रियलाइज अब ये जोड़ घटाओ की दुनिया में कुछ नहीं पढ़ा है, जिंदगी भर क्लर्क बन के रह जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। देन ही डिड द लॉ एंड ही अडॉप्टेड द लीगल प्रोविजन। आज ब्रांड है, ब्रांड है हरीश सालवे, जो ब्रांड हरीश सालवे बोलता है, खड़ा होता है ना कोर्ट में तो जस्ट भी एक बार रेस्पेक्ट से उसको देखता है। अरे कहां से रेस्पेक्ट आई? लीगल से। तो मैं बार बोलता हूं इन चीजों को थोड़ा ध्यान दो ना, तो दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज है लीगल साइड में, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा आपने सुना होगा बीच में सलमान खान को अरेस्ट होने का इशू बन गया था, उसको बेल नहीं मिल रही थी, मालूम हुआ ना? एक पता ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके केस को रिप्रेजेंट किए थे आपको, और सिर्फ एक हेयरिंग में कहते, सिर्फ ओनली वन हेयरिंग, एक सुनवाई में कहते, और सलमान खान को बेल दिलवा दी। उस एक हेयरिंग के बदले 1 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, 1 करोड़। पूरा जिंदगी भर सीए लगा रहा था ना, तब 1 करोड़ रुपये नहीं कमाता। हाँ ऊट पटांग हरकतें करके कमाले अलग बात है, जो टिपिकल से सीए होते हैं ना ये जोड़ घटाव में लग रहते हैं बेचारे, वो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा सकते। तो पैसे में एक भाषा समझ में आती है, बार बोलता हूँ थोड़ा सा लीगल पे ध्यान दो। और इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि सीएस कर रहा हूँ, सीएस में सारा काम ही लीगल करना है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगता है लीगल से मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यू ऑल्सो ज्वाइन सीएस एंड दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोफेशन। इफ यू डू इट आप बहुत एक्सीलेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लोग पता नहीं कि जनरली के मार्केट में क्या फैला रखा है लोगों ने, इसमें कुछ होता नहीं लॉ में, या पता नहीं क्या वो स्कूल के टीचरों ने कॉलेज के टीचरों ने सब सिखा रखा है। बट क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड, अब देखो इसमें कितना अच्छा वर्ड लगा है ऑर्डरली, इसका मतलब बताएगा इसका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? एक सेकेंड, आप कुछ बोल रहे थे, वैलिड होना चाहिए। देखिए कुछ और भी आवाज आ रही थी, सस्टेन, ठीक है। देखिए ऑर्डरली एक कंसेप्ट बोलते हैं, देखो डेवलपमेंट वर्ड के साथ इन्होंने ऑर्डरली लगा रखा है। एट टाइम्स सम डेवलपमेंट्स आर देयर, बट दो डेवलपमेंट्स आर नॉट डन इन अ प्रॉपर वे। एक वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में लॉप साइडेड,
lopsided. LOP, sided, lopsided. Lopsided ka matlab hai imbalance. Something which is not balanced, imbalance. अगर कोई डेवलपमेंट lopsided है वो सस्टेन नहीं करती है, वो कभी भी सस्टेन नहीं करेगी. बट इफ सम डेवलपमेंट इज बैलेंस ऑर्डरली इट विल सस्टेन. वो सस्टेन सस्टेन मतलब लॉन्ग टर्म तक वो आपको आपको डेवलपमेंट रहेगी. अच्छा हम एक तरफ बोल रहे हैं आर वी ओनली इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट और ऑल्सो मेंटेनेंस. अच्छा मेंटेनेंस का था सस्टेन की बात, वो कंटिन्यूअसली वो चलता रहे तो उसके लिए डेवलपमेंट शुड बी इम्बैलेंस और शुड बी बैलेंस. And that balanced development भी कोई orderly सही तरीके से development करना है. Imbalance तरीके से आप करेंगे, lopsided development करेंगे, वो चीजें कभी भी आपको कभी भी sustain नहीं करती. मैं example देता हूं आपको, ठीक है. किसी बच्चे के किसी exam में बड़े अच्छे number आ गए, और ऐसे बहुत सारे मैं example दिखा देता हूं. All India rank आ गई भाई साहब, तुक्का लग गया. तो कल लगे मतलब क्या, कुछ कुछ चांस की बातें हैं कि साहब कुछ कुछ चीजों पर आपने फोकस किया था, बट अदरवाइज आप बहुत नॉलेजेबल, आप बहुत कंसेप्चुअली आप साउंड नहीं है. तो चांस की बात है कुछ चीजों पर आपने फोकस किया, वैसी चीजें ज्यादा आ गई, कुछ एग्जाम में नकल पकल मार दी आपने, ठीक है. ये भी हमारे यहाँ ये भी एक अच्छा, लोग उसको बुरा ही नहीं मानते. अच्छा कोई अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है और नकल कर रहा है, जाके ना चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए. आप प्रोफेशनल कोर्स करने लायक नहीं है. स्कूल के बच्चे होगा छोटे छोटे नर्सरी क्लास में, दिखा दे यार क्या लिख रहा है, शर्म आनी चाहिए प्रोफेशनल कोर्स का नकल कर रहे हो. मतलब एकदम मतलब कई मैं बहुत इरिटेट होता था इन चीजों से. अब मेरा जो इन्विजिलेटर हो ना, एग्जाम में जो घूमते हैं ना इन्विजिलेटर बोलते हैं, मेरा जो इन्विजिलेटर हो कोई अगर नकल करता है बिठा के जीरो बिठा दू कॉपी पे. स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस. नकल मार के जिंदगी में अगर तुम कहीं पास हो, जिंदगी भर अंदर से एक डर रहेगा कि मैंने चोरी करके पास हुआ हूं. वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मेरी डिग्री है. चोरी चवारी फालतू के काम जो होते हैं ना, ये बकवास. एंड ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा डरे हुए रहते हैं. कारण के अंदर से एक डर है, दुनिया को भले नहीं पता, आपको अंदर से डर है कि मैंने चोरी की थी. अरे एक्चुअली वो भी बंदा, उसने कुछ चीजें सेलेक्टिव बेसिस पढ़ा, कंसेप्चुअली कुछ याद की, चांस के वैसे बहुत बहुत सारी चीजें आ गई. होता कई बार कुछ नकल बकल मार ली, रैंक आ गई. अच्छा ऐसा डेवलपमेंट आता, दुनिया प्रेस करती भाई साहब रैंक आई, क्या डेवलपमेंट है. लेकिन क्या ये ऑर्डरली डेवलपमेंट है, ऐसा ऐसा इम्बैलेंस. अच्छा वो सस्टेन करेगी नहीं, देखना अगली बार उसकी औकात दिख जाएगी. तुमने बहुत लोग ऐसे होते थे ना, एक बार रैंक आती अगली बार पास ही नहीं होता. तो ऐसा क्यों होता है, अगर उसमें क्वालिटी थी इसका मतलब वो एक्चुअली वो बार बार रिपीट होनी चाहिए. थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, पिछली बार मेरी 10वीं रैंक आई थी, 12वीं आ गई, चलो ठीक है. लेकिन क्वेश्चन ही कोई बंदा रैंक ला रहा है ऑल इंडिया, अगली बार पास ही नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट डेवलपमेंट वॉज देयर बट द डेवलपमेंट वॉज नॉट ऑर्डरली, इट इज नॉट एबल टू सस्टेन. वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी. लेकिन अगर ऑर्डरली डेवलपमेंट है क्या होगा, वो सस्टेन करेगी, बार बार करेगी, और बार बार प्रूव होगा दैट पर्सन हैज द क्वालिटी. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑर्डरली. यही बोला है, खाली डेवलपमेंट नहीं चाहते, ऑर्डरली डेवलपमेंट चाहते, जैसे कि वो सस्टेन करे. और सस्टेन करेगा तभी तो मार्केट मेंटेन रहेगा, अदर मार्केट विल नॉट बी मेंटेन. इसलिए बोलते हैं लाइफ में कोई भी चीज करो ऐसा करो जो सस्टेन करे, ये नहीं तुक्के में. अच्छा हम मैं क्यों बोलता हूँ, कंसेप्चुअली पढ़ो ना, क्यों बोलता हूँ, इट विल सस्टेन. जिंदगी भर आपको विनर बनाएगी, खाली एक बार नहीं. लेकिन आपने रट्टे मार मार के एग्जाम पास कर लिए थे, एक बार तो विनर बन गए, आगे जाके धक्के खाने पड़ेंगे. तो काम ऐसा करना है जिंदगी में हर जगह आपको क्या करेगी, आपको आगे रखे, या ये बंदे में दम है, इस बंदे में बात है. लेकिन ऐसा काम नहीं करना कि एक बार तो मैं पास हो गया, आगे जाके लोग बोले ये पागल है, तेरे को किसने पास कर दिया, ऐसे बोलते मुंह पे, या तेरे को डिग्री किसने दे दी, तेरे को कुछ आता ही नहीं है. अच्छा क्या पानी पानी हो जाओगे 2 मिनट के अंदर, बोलेगा यार ये क्या है, मैं तो रैंक लेके आया, मैं तो इतने नंबर लेके आया, मुझे लोग ऐसे बोले, आपको डिग्री किसने दी. ये आपने से किसी की बाइक 5146 पल्सर बाइक, किसी की आपकी किसी की बाइक बाहर लगी हुई है, पल्सर बाइक 5146 आपकी है, बेटा चाबी के साथ किसी को पूरा ऑफर दे रखो, ले जाओ. ध्यान रखा करो. देखिए सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑर्डरली, एंड आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा. दे आर टू ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेटली दोनों ऑब्जेक्टिव का नेट रिजल्ट यही है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आए. एंड अच्छा देखिए
आपने सुना हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड में ट्रेवल करके हर कंट्री में क्या वहां के इन्वेस्टर्स, वहां के एंटरप्रेन्योर्स, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों क्या बोलते हैं, कम टू इंडिया, मेक द इन्वेस्टमेंट इंडिया. व्हाट इज ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज, और उससे अपने आप इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो उस पॉइंट तो देखा जाए इस चीज क्योंकि हमने लॉ बना रखा, लॉ का पर्पज है, तो कहीं ना गवर्नमेंट की तरफ से जो भी काम हो रहे हैं अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो अलाइन विद एंड दे विल मैच विद द पर्पज ऑफ डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल इन अवर कंट्री. इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेमा? तुमने वो एक इंसिडेंट सुना था, एक लड़की थी, सी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन CA एंड बॉम्बे की लड़की थी. ऑल्दो मतलब वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि शी वॉज अ डॉटर ऑफ ए ऑटो ड्राइवर, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उसको फैसिलिटी कुछ नहीं थी, बट लेकिन था क्या, वो रट्टे मार रहा पता है उसको जो पहली अच्छा ऑल इंडिया रैंक 1 CA फाइनल इज अ बिग अचीवमेंट, अगर ऑन रिकॉर्ड प्राइमा फेसी देखे तो बहुत बड़ी चीज है. लेकिन पता है पहला ही आपको जॉब इतना खराब मिला, कारण क्या, नॉलेज कुछ थी नहीं. अच्छा क्या हुआ, कहने के लिए एक डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अखबार में फोटो छप गई, ऑल इंडिया रैंक 1 CA फाइनल, लेकिन हुआ क्या, वो सस्टेन किया नहीं. अब आप करियर ग्राफ शुरू से खराब हो गया, कितनी खराब जॉब मिली, सिर्फ 4 लाख या 3.5 लाख रुपए पैकेज मिला था. अच्छा ये एक एवरेज CA को भी आपको इससे बेटर आपको मिल जाता है. आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाख भी ये पैकेज मिल रहा साल का, इसका अच्छा क्यों नहीं मिला, कारण इंटरव्यू वगैरह में सारी औकात सामने आ गई, सस्टेन नहीं किया ना. तो वही होता है, बार बार बोलता चीज ऐसे करो जो हमेशा जिंदगी में हमेशा सस्टेन करे. एक दिन की बात, क्योंकि हमारी पढ़ाई एक दिन के लिए नहीं होती, हमारे प्रोफेशनल कोर्स एक दिन के लिए होते. अच्छा बार बार प्रोफेशनल कोर्स करोगे क्या, या बार बार डिग्री लोगे? एक बार जो ले रहे सॉलिड ले लो, जिससे क्या होगा जिंदगी भर वो रिटर्न देगा. लेकिन अगर आपने गलत तरीके से डिग्री ले तो ली, बट क्वेश्चन क्या होगा, वो रिटर्न दे ही नहीं पा रहा. हर जगह क्या होगा, स्ट्रगल है, हर जगह फाइट है. फिर फाइट ये होगी, अच्छा क्या होता है, मेरे में कैपेबिलिटीज नहीं है, कैलिबर नहीं है, एक नौकरी लग गई, लेकिन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है. क्यों, वहां तो लग गई, अगर ये छूट गई तो दूसरी कैसे मिलेगी, क्योंकि मुझे अंदर से पता कि आई डोंट हैव अ क्वालिटी. तो क्या वो हमेशा लाइफ में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है? अच्छा इनसिक्योरिटी से टेंशन होती है, टेंशन से 10 बीमारियां हो जाती है. तो गड़बड़ क्या हो रही है, हमने शुरू से अपने आप को ठीक से बिल्डअप नहीं किया है. ठीक से बिल्डअप करो तो ये सब चीज सीख रहे. अरे तुम देखना, अच्छा लोग इनसिक्योर होते क्या करते हैं, बॉस की चमचागिरी करते हैं, किसी तरह की नौकरी मेरी बची रहे. अरे चमचागिरी करना क्या अच्छी बात है क्या? अच्छा डज इट अफेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट और नॉट? यस, स्वाभिमान मरता है किसी की चमचागिरी करने में, अपना स्वाभिमान मरता है. अच्छा क्यों मारना पड़ा स्वाभिमान? क्योंकि मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे में कैलिबर नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ा जिससे कि मेरी नौकरी बची रहे. तो सारे उल्टे पुलटे काम होने लगे, कारण क्या है कि मैंने अपने आप को सही ढंग से डेवलप नहीं किया. तो इतनी सारी परेशानी झेलने के लिए तैयार है, लेकिन सही ढंग से डेवलप करने तैयार नहीं. ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अभी नहीं पता लगता, लाइफ में बाद में इम्पैक्ट आते हैं. और देखना बहुत लोग होते हैं, बॉस को डिनर में बुलाना है, फलाना करना है, कुछ नहीं चमचागिरी करनी. कुछ लोग बोलते हैं भैया काम से काम, काम मेरे से करवा लो, अगर तुम्हें लगता है कुछ और तो ठीक है, टाटा बाय बाय. अच्छा ऐसे लोग 10 लोग और बुला रहे हैं, क्यों, कैलिबर वाले लोग ही कितने हैं? हर फील्ड में उठा के देना, कैलिबर वाले लोग बहुत गिने चुने हैं जिनमें सही में कैलिबर है, और ऐसे लोग को पकड़. अच्छा जी देखिए विशाल सिक्का को इन्फोसिस है, आपको लगता है वो क्या जॉबलेस हो जाएगा क्या? आपको लगता है वो जॉबलेस हो जाएगा? ऐसे लोग हैं क्या पूरे दुनिया में? विशाल सिक्का गिने चुने लोग हैं पूरे, मतलब पूरी दुनिया की गिनोगे तो यू कैन काउंट द सच काइंड ऑफ पीपल. तो उसको प्रॉब्लम थोड़ी है. आज वो छोड़ा पता है 20 ऑफर लाइन लगे होंगे, वो तो कुछ मैनेजमेंट के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ अदर इश्यूज थे, अदरवाइज कोई कैलिबर में थोड़ी कमी कहीं भी है. तो उसके साथ 20 ऑफर और लगे हुए लाइन में, बंदे में है पोटेंशियल तो क्या होगा, कोई पूछता है कोई उसको थोड़ी फर्क पड़ता है कि नौकरी चली जाने दो, उसने खुद ही रिजाइन कर दिया लास्ट में. क्या किया लास्ट में, खुद ही रिजाइन कर दिया. मैं बार बार बोलता हूँ जिंदगी को ऐसा बनाओ कि जिंदगी में टेंशन खत्म हो जाए बाद में. लेकिन अगर गलत तरीके से बनाओ ना तो बार बार क्या हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी. अभी तो पास होने की इनसिक्योरिटी, आगे जाके नौकरी छूटने की इनसिक्योरिटी हमेशा ही बनी रहेगी और हमेशा टेंशन क्रिएट रहेगी. नेक्स्ट इज फेमा के अंदर जो अथॉरिटी है वो देखिए क्या क्या. इस एक्ट के अंदर जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वी टॉक अबाउट RBI. तो इस लॉ की इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, हु इंप्लीमेंट्स, हु आर इन्वॉल्व. अच्छा कह सकते एग्जीक्यूटिव बॉडीज की बात करें,
ये कंपनी लोग बोलते हैं एमसीए आरडी आरओसी बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है एमसीए, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दे आर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द फेमा। उसमें हाईएस्ट लेवल पे कौन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड नेक्स्ट लेवल पे कौन है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के मल्टीपल रोल्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, फॉरेन एक्सचेंज मैटर में भी आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन एडिशन टू दैट ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हु आर इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द लॉ ऑफ फेमा, एंड उसमें हु इज द सुपीरियर अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सबऑर्डिनेट टू दैट इज द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन एडिशन टू दैट वी हैव वन मोर बॉडी दैट इज कॉल्ड इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और ऑल्सो कॉल्ड इट डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक ही बात है, शॉर्ट में हम ईडी बोलते हैं, वैसे ये भी बोलते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, वन ऑफ द सेम थिंग। ये अलग बॉडी है, इसका काम इसके भी फेमा से रिलेटेड है। इसका क्या काम है, लेट्स से देयर इज सम पर्सन ए, देयर इज सम एलिगेशन अगेंस्ट ए दैट ही हैज वायलेटेड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ फेमा। नाउ एलिगेशन लगा, अभी आरोप लगा, ए इज राइट नाउ एक्यूज्ड, केस की इंक्वायरी होनी चाहिए कि वेदर एक्चुअली ए हैज वायलेटेड द लॉ नॉट, इफ वायलेटेड पनिशमेंट शुड बी इम्पोज, अदरवाइज ही शुड बी स्पेयर्ड। So all these allegations are probed into, they are inquired into by this body, ED. Is that inka kaam hai law ki implementation karwana, usme higher level pe Ministry of Finance then the RBI. Aur agar kisi ke upar ye aarop lag jaye ki sahab aapne ye violation kiya hai, to uski inquiry karna to find out whether he is guilty or not, punishment should be imposed or not, ye cheeze kaun karta hai, Enforcement Directorate also called Directorate of Enforcement, ED. And aapki knowledge ke liye baat karta hu, it's a very powerful body. यहां इन्फ्लुएंस नहीं चलता, ईडी के साथ इन्फ्लुएंस नहीं चलता। जैसे होता ना आपने सुना होगा कि साहब पुलिस के पास कोई केस गया, किसी नेताजी ने फोन घुमा दिया किसी एमएलए ने, भैया ये मेरे राजान का छोड़ दे, या इस पर ज्यादा सीरियसली मैटर को नहीं लेना, तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वेरी पावरफुल बॉडी, इनको इतनी पावर्स दे रखी है, बड़े बड़े नेताओं को ये बुला लेते हैं वहां पे इंक्वायरी करने के लिए, आ जाओ वहां पे, बोलते हैं अगर ईडी ने बुला लिया ना तो समझो केस खत्म है, फंस गए बुरी तरीके से, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बॉडी, और इफ यू रियली डन समथिंग रॉन्ग तो फिर ईडी आपको जब इंक्वायरी शुरू कर देता है तो इन्फ्लुएंस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी, ह्यूज पावर्स हैव बीन गिवन टू दिस बॉडी बाय द लॉ। देखिए जहां पे क्या होता है कि किसी मिनिस्ट्री किसी ऑफिसर के ऊपर दबाव को अगर डाल सकता है तो वहां पे चीजें क्या होती है, बायसनेस आ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सुना होगा आपके अखबारों में आजकल काफी चर्चा है कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लालू जी को उनके बेटों को नोटिस सर्व कर दिया, बुला लिया इंक्वायरी के लिए। अच्छा वो इतना इजीली ये सब क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स है वो इंटायर इज अ सेंट्रल मैटर और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो स्टेट लेवल पर जो एमएलएज हैं बैठे हैं और जो आपको गवर्नमेंट के मिनिस्टर स्टेट लेवल पे, क्या वो कुछ कर सकते हैं उसका, कुछ नहीं कर सकते, इसे उनको डर ही लगता है ना, वो ऐसे की तैसे करते, वो लालू वालू क्या उठा के सबको ऐसी इंक्वायरी कर दे पूछो, कारण के डर ही लगता। लेकिन जहां अब द पुलिस है, क्या पुलिस इज एक्चुअली कमिंग अंडर द स्टेट, आपको तो हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, तो दे आर टेकिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट, वहां से ऑर्डर्स लेते हैं, तो क्या वहां से इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा है, ये सुनो। इसलिए डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है डिपार्टमेंट कैसा है, जैसे उसी तरह ईडी को बोलते हैं इज अ वेरी पावरफुल डिपार्टमेंट, इसको कोई जल्दी से इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता, इनको इतनी पावर्स दे रखी है। अब बड़े बड़े मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो केस चले, बहुत सारे मिनिस्टर्स इनके अगेंस्ट केस चले अंडर फेमा, उनको भी बुला लेते हैं इंक्वायरी के लिए, तो ये नहीं कि वो मिनिस्टर था ये था वो, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, तो ईडी इज सो पावरफुल। एनीवे सो दीज आर द अथॉरिटी। तो अच्छा बताइए इन इसका रोल और इसके रोल में फर्क पता लगेगा, इनका काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, बट अगर कोई वायलेशन का इशू बनता है कि सर वायलेशन हुआ नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसकी इंक्वायरी करना टू फाइंड आउट वेदर पर्सन इज गिल्टी ऑर नॉट, वो कौन करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इज दैट क्लियर। नाउ ये सब चीज इसलिए बता रहा हूँ शुरू में कि आपको सब नाम आते रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि साहब ये क्या है इनका, अब मैं नाम आएगा ईडी तो आपको पहले पता लगेगा ईडी किसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा फेमा से पहले कौन सा लॉ था, फेरा 1973, उससे पहले 1947, तो हम अभी इमीडिएट जो लॉ था उससे थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं।
One, FERA was a criminal law. मतलब अगर यहां कोई वायलेशन है जेल वगैरह भी होती थी. बट FEMA इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ, FEMA इज अ सिविल लॉ. नंबर टू, FERA के अंदर जो फोकस था, द एंटायर फोकस इन FERA वन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मतलब जितना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ गया उसको बचाया जाए, सेव किया जाए, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व वाटर, सेव वाटर, कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज. मतलब और ज्यादा कैसे आए उस पर ध्यान नहीं था, खाली ध्यान क्या था जितना आ गया उसको क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए. बट FEMA के अंदर द अप्रोच इज नॉट कंजर्वेशन बट फैसिलिटेशन. लोगों को आप सपोर्ट सिस्टम दीजिए टू डू मोर एंड मोर एक्सटर्नल ट्रेड. अभी बता रहा फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड. अच्छा, जितना आप फैसिलिटेट करेंगे क्या एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ेगा? एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ेगा तो क्या अपने आप फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता जाएगा? क्योंकि इंडिया में पेमेंट किसमें आएगी? फॉरेन एक्सचेंज में. तो यहां पर ऑब्जेक्टिव FEMA के अंदर जो अप्रोच है दैट इज नॉट द कंजर्वेशन, नॉट टू सेव बट टू हैव गेट क्रिएट अ एनवायरमेंट वेयर वी कैन गेट मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज एंड फैसिलिटेशन, फैसिलिटेटिंग द पीपल इन डूइंग मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज. ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इंडिया विल गेट मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन ट्रेड ज्यादा होगा तो अपने आप फॉरेन एक्सचेंज आएगा. तीसरा, FERA के अंदर बोलते हैं द फोकस इज मोर ऑन रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल. इसका नाम में भी आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन. हियर द फोकस इज ऑन मैनेजमेंट. क्या नाम में मैनेजमेंट बढ़ा रहा है? आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. वहां क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. तो FERA का फोकस था ऑन रेगुलेशन एंड कंट्रोल, चीजों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना. FEMA के अंदर मोर फोकस इज ऑन मैनेजमेंट पार्ट. अच्छा, मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट्स मोर लिबरल. वी आर ओनली मैनेजिंग, वी आर नॉट कंट्रोलिंग. फर्क समझ में आता है? कंट्रोल का मतलब सब चीज मेरे से पूछे करोगे, मेरे से बिना पूछे नहीं करोगे. मैनेजमेंट का आप करो, आई एम ओनली सुपरवाइजिंग, आई एम जस्ट ओवरसीइंग कि सब कुछ ठीक चल रहा है. तो देखा विच वन मोर लिबरल अप्रोच, मैनेजमेंट. FEMA क्या पोस्ट लिबरलाइज इकोनॉमी का कंसेप्ट है. 1991 इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. कब बनाया? 99 में. FERA 1973 व्हेन इंडिया हैड अ रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी. तो देख रहे हो जिस समय लॉ बना था उस समय की जैसी इकोनॉमी थी वैसे ही उसका अप्रोच था. लेकिन FEMA इट वॉज मेड इन द पोस्ट लिबरलाइज बट विद एरा एंड दैट्स व्हाई द फोकस इज नॉट ऑन कंट्रोल एंड रेगुलेशन, द फोकस इज ऑन मैनेज मोर लिबरल. और यही एक बात बताता हूँ, कितनी चीजें जो FERA में अलाउड नहीं थी FEMA में अलाउड है. कितनी चीजें FERA में अलाउड थी विद द अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, FEMA में विदाउट अप्रूवल अलाउड है. क्या इट्स मोर लिबरल अप्रोच और नॉट? यही तो हम बोले वहां पे कंट्रोल एंड रेगुलेशन था, यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट. नंबर फोर, FERA के अंदर एक बहुत बड़ा एक इश्यू था जिसकी वजह से FERA को लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे. जैसे मान ली कोई ए है, इसके ऊपर ईडी ने कोई एलिगेशन लगा दिया कि साहब आपने ये वायलेशन किया. अभी बता दें ईडी पहले भी ईडी हुआ करता था, वो अब FERA के अंदर था, FEMA के अंदर. अरे इसमें अच्छा एलिगेशन लगाने का था क्या है? प्रूव हो गया गिल्टी है. अब इस एक्यूज को यह प्रूव करना आई एम नॉट गिल्टी. अच्छा, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव दैट आई एम नॉट गिल्टी, इट मीन्स यू आर गिल्टी. इट्स अ वेरी सीरियस इशू. अच्छा, एक तरफ पूरा डिपार्टमेंट है, एक तरफ अकेले हैं. डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया, आपने ये प्रोविजन का वायलेशन किया, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा. मतलब ओनस ऑफ प्रूविंग दैट आई एम नॉट गिल्टी किसके ऊपर है? एक्यूज के ऊपर है. आपको लगता है ये बहुत मुश्किल काम है? अच्छा, जब तक आप ये प्रूव नहीं करते कि आई एम नॉट गिल्टी, आई यू विल ट्रीटेड एज गिल्टी. इट्स वेरी सीरियस इशू. लेकिन FEMA में ऐसा नहीं है. यहां ओनस किसके ऊपर है? डिपार्टमेंट के ऊपर है टू प्रूव दैट यू आर गिल्टी. जब तक आप ये प्रूव नहीं करते कि दैट ही इज गिल्टी, तब तक वो बंदा इनोसेंट माना जाएगा. अच्छा बताइए, व्हाट इज द बेटर अप्रोच? द सेकंड वन, जैसे मान लिया ईडी ने किसी बी के ऊपर आरोप लगा दिया कि साहब एक्यूज किया आपने, गलत किया, तो अभी ये बी को गिल्टी नहीं मान जाएगा. कब तक गिल्टी नहीं मान जाएगा? जब तक ईडी प्रूव ना कर दे कि दैट बी इज गिल्टी. एंड बी को कुछ नहीं प्रूव करना, वो तो अपने आप को डिफेंड करेगा. लेकिन खाली आरोप लगाने से बी गिल्टी नहीं है. लेकिन FERA में क्या था? आरोप लगते क्या बन गए? गिल्टी अंटिल अनलेस यू प्रूव दैट आई एम इनोसेंट. डोंट यू थिंक इट वाज मोर डिफिकल्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्यूज कि आपको प्रूव करना कि आई एम नॉट गिल्टी, अदरवाइज यू आर गिल्टी. लेकिन FEMA में क्या है कि आपको कुछ नहीं प्रूव करना. अगर डिपार्टमेंट ने खाली आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिए लेकिन प्रूव कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप गिल्टी नहीं माने जाएंगे. उस एंगल से देखा जाए क्या FEMA कंपेरेटिवली नॉट सो सीरियस इन कंपेरिजन टू FERA. राधा वो एब्सर्ड था, वो सही नहीं था. सही अप्रोच ये, कोई अथॉरिटी, अच्छा पुलिस वाला कोई भी आप आरोप लगा दे, इसे आप गिल्टी हो गए?
गिल्टी हो गया, कोई भी आरोप लगा दे क्या गिल्टी हो गया, इसका तो गिल्टी का मान जाएंगे. वेन द पुलिस इज एबल टू प्रूव दैट दैट यू आर, अच्छा पुलिस वाले एडवर्स का एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन लगा क्या करेंगे, कोर्ट में केस डालेंगे. नाउ दे हैव टू गिव द एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव दैट यू आर गिल्टी. अच्छा मान ले प्रूव नहीं हुए तो क्या होगा, कोर्ट छोड़ देता है. अल्टीमेटली आप पनिश कहाँ हुए, तो अल्टीमेटली आप एलिगेशन सिर्फ लगे थे, अल्टीमेटली प्रूफ कुछ हुआ ही नहीं एंड यू आर नॉट गिल्टी एंड यू आर नॉट लायबल. लेकिन अगर मान लिया प्रूव कर दिया तब लायबल होते हैं, तरीका तो यही होना चाहिए. लेकिन पहले फेरा में अप्रोच बहुत डिफरेंट था एंड दैट यूज टू बी क्रिटिसाइज कि गलत है. लेकिन अब फेमा में उसको क्या किया, ठीक किया है. जनरल अप्रोच तो यही होती है जो यहाँ दे रखा है, ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन पहले गलत अप्रोच से काम चला था, इसलिए फेरा को बहुत डिफिकल्ट लॉ मानते थे. बहुत अच्छा एक बॉडी ड्रैकोनियन लॉ, इज अ ड्रैकोनियन लॉ, मतलब इज अ वेरी हार्श लॉ अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज. इट वॉज वेरी एक बॉडी यूज ड्रैकोनियन. इट यूज टू अ वेरी हार्श लॉ. इसे बोलते हैं फेरा के प्रोविजन किसी पर लग जाते थे ना, ओल्ड लॉ जब चलाता था, बोलते समझो जिंदगी द लाइफ इज हेल. कारण क्या, आपको प्रूव करना है दैट आई एम इनोसेंट, नहीं प्रूव करे तो मतलब क्या गिल्टी है. तो बड़ा वेरी डिफिकल्ट लॉ एंड फॉर द पब्लिक एट लार्ज. इज दैट ओके. तो ये डिफरेंसेज है बिटवीन फेरा एंड द फेमा, और अभी तो यही चल रहा है लेकिन समझाने के लिए कि पहले क्या सिचुएशन थी. अच्छा एक बात इससे प्रूव और हुई, क्या फेमा इज मोर लिबरल लॉ देन द फेरा 1973. जस्ट 2 मिनट और. जो फेमा है, दिस एक्ट हैज गॉट ओनली 49 सेक्शंस, 49 सेक्शंस ओनली. कई बच्चों से इसी बात के लिए लोग इतना शोर मचा, सिर्फ 49 सेक्शन ही है, लेकिन सेक्शन ही सब कुछ नहीं है. अच्छा लॉ इज ओनली एक्ट, मोर देन दैट रूल्स रेगुलेशन बहुत सारी चीज ऐड हो गई. इसी एक्ट के सेक्शन 46 में सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अभी बताया था, को पावर देगी टू मेक द वेरियस रूल्स. और सेक्शन 47 में आरबीआई को पावर देगी टू मेक द वेरियस रेगुलेशंस. इन पावर्स का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना रखे, आरबीआई ने बहुत सारे रेगुलेशन बना रखे. नंबर ऑफ रूल्स एंड नंबर ऑफ रेगुलेशन देयर. एंड गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर टू मेक द रूल्स अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 46 एंड 47 ने किसको पावर दे रखी, आरबीआई. किस बात के लिए, टू मेक द लॉ इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस. तो एक्चुअली क्या है, एक्ट के अंदर सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर है, जो डिटेल चीजें है ना, कि आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है, अभी बताया इंडियन कंपनी को डिविडेंड बाहर भेजना है, तो आपको एक्ट में प्रोविजन नहीं मिलेंगे. कहां से मिलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन से. ठीक है, आपको बाहर जाना है, आपको कितना फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है फॉर टूर्स एंड ट्रेवल. अच्छा टूर्स एंड ट्रेवल के लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज लिमिट होती है, इतना ही मिलेगा. तो बोलो सर मैं बहुत पैसे वाला हूं, मुझे इतना चाहिए, नहीं मिलेगा. सब नॉर्म्स है, इंटरनेशनल लॉ लग रहे हैं. इसका मतलब ये सब चीजें आपको एक्ट में नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी, रूल्स एंड. तो बोलते जितनी प्रैक्टिकल चीजें जिससे सारे ट्रांजेक्शन गवर्न, तो यहां मिले. एक्ट तो खाली बताता है सब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. फाइनल डिटेल्स आर नॉट गिवन इन द एक्ट, दैट इज गिवन इन द रूल्स एंड डिटेल. इसलिए लॉ जब हम पढ़ते तो क्या खाली एक्ट पढ़ेंगे, नहीं साथ में. इससे कहने के लिए एक्ट छोटा है, बट ओवर लॉ इज नॉट स्मॉल इन साइज. लॉ हैज लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द एक्ट एंड दैट्स व्हाई बोलते. इसलिए अच्छा एक चीज मैंने समझाया था, अगर आपको याद हो, लॉ एक स्केलेटन अप्रोच बनता है. स्केलेटन का मतलब क्या होता है, अच्छा किसी ह्यूमन बॉडी को देखें, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्केलेटन. अच्छा ऊपर जो फ्लैश एंड ब्लड है वो एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई. उसी तरीके से एक अच्छा स्केलेटन क्या, जैसे हम बोलते हैं किसी का वेट बढ़ गया, वेट घट गया, तो स्केलेटन चेंज होता है क्या, खाली ऊपर की चीजें बदल जाती है, स्केलेटन रिमेन्स द सेम. तो स्केलेटन इज समथिंग विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट गेट चेंज. तो मतलब एक्ट के अंदर हम सिर्फ वो चीजें डालेंगे जो रोज रोज नहीं बदलती, इसका क्या डालेंगे, स्केलेटन. और बाकी जो चीजें बदलने वाली वो कहां डालेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन. अच्छा इस अप्रोच से जो भी लॉ बनते हैं क्या नॉर्मली वहां एक्ट छोटे होते हैं, जैसे यहां पर देख लो तो कहते थे फेमा इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्केलेटन अप्रोच. नया लॉ है 99, अगर देखें इन कंपेरिजन जो 50 साल 100 साल पुराने लॉ है उसके कंपेरिजन नया लॉ है, ये भी स्केलेटन अप्रोच बना हुआ. इसलिए एक्ट के अंदर ज्यादा सेक्शन नहीं है, लेकिन आपको एक्ट कंटेन्स ओनली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ दैट इज स्केलेटन. डिटेल्स आर नॉट इन द एक्ट, फॉर दैट वी हैव नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. अच्छा रूल्स रेगुलेशन को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं. अच्छा एक्चुअली क्या गवर्नमेंट कैन इट, कैन रियली गवर्नमेंट मेक द लॉ, कैन द गवर्नमेंट रियली मेक द लॉ, हु मेक्स द लॉ, एंड गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो कैन द गवर्नमेंट मेक द लॉ. बट इफ द लेजिस्लेचर डेलीगेट द पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक द लॉ, ये क्या है, सेक्शन 46 किसका है, फेमा का. फेमा किसने बनाया, लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने. तो कह सकते पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर थ्रू सेक्शन 46 ऑफ फेमा हैड डेलीगेटेड द पावर टू
executive body, that is government, to make the law in the form of rules. Parliament, again, the legislature, through section 47 of FEMA, has delegated the power to another executive body, that is RBI. Abhi maine dono ko executive body bataya tha, they are involved in the implementation and execution of the law. Yes or no? And tabhi to RBI itne saare regulation. Iska the RBI jo regulation bana raha in the context of FEMA, from where it derived the power? Section 47 of the FEMA. And central government jo rules bana raha, kahan se derive kaise? From section 46 of the FEMA. And that's why keh sakte hai, saare rules regulation jo hai, they are all delegated legislation made by executive body, but under the delegated power of the legislature. ये मैंने रेफरेंस से इससे पता लगा पावर डेलीगेट की है लेजिस्लेचर ने किसको एग्जीक्यूटिव. तो प्रैक्टिकल बात ये कि साहब ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. खाली हमें एक्ट में क्या मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. डिटेल्स और जो कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास.